अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की आज रविवार को राजधानी में जयंती मनाई गई। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल ने सपा कार्यालय पर सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो कार्यक्रम सपा कार्यालय में हो रहा है वह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था, लेकिन भाजपा की साजिश के चलते कार्यक्रम सपा कार्यालय में हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सबसे बड़ा सवाल जातीय जनगणना का है जो अपना दल ने उठाया, यह सबसे जरूरी सवाल है। उन्होंने सोनेलाल के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि सोनेलाल ने हमेशा वंचितों के लिए संघर्ष किया। कई हमले झेलने के बाद भी वह सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे। हमें एकजुट होकर अपने सपने को पूरा करना होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठा तक बता दिया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से वापस लौटने के बाद देश में यूसीसी का बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई बड़ी बड़ी, उसमें एमओयू तो कर लिए बड़े बड़े, लेकिन एमओयू जमीन पर नहीं उतरा कोई भी। और अगर एमओयू जमीन पर उतरे होते तो शायद औद्योगिक विकास रेट, जानवर देखता है आप लखनऊ, जानवर देखता है आप लखनऊ से जहां कहीं से भी आए होंगे, आप कोई चौराहा शायद ही मिला हो जहां पर ट्रैफिक के नए अधिकारी न खड़े हों। कल मैं 12 मिनट निकला था, गया था, हर चौराहे पे नई अपॉइंटमेंट हो गए हैं, कोई चौराहा नहीं बचा। सोचिए ऐसे लोग जो ट्रैफिक का इंतजाम दूसरों के हाथ में दे दिए, $1 trillion इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और आज के समय पर देख रहे हैं जहां पर हर चीज एक दूसरे के अपना दल कमेरा के लोगों ने यहां पर कार्यक्रम कराया और एक ऐसा सवाल छेड़ा है जाति जनगणना का जो आम जन लोग चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं पंकज निरंजन जी को कि उन्होंने इस गोष्ठी का आयोजन कर करके हम सब लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।